जो आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NIOS क्लास 12 302 का TMA इंग्लिश का। वैसे हमारा जो है उर्दू हिंदी का है, लेकिन इंग्लिश का TMA इस वजह से डाल रहा हूँ मैं ताकि सारे TMA आपको एक ही जगह मिल जाए। 10th और 12th दोनों के डालूँगा वन बाय वन, सारे आपको TMA यहीं मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इस वीक में सभी TMA आपके पास आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। पहला सवाल है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउ 40 और 60 वर्ड। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, एक्सप्लेन द फ्रेज विद द हेल्प ऑफ द लीजर। तो यानी ये बताना है कि ये किस पोएम का है। लीजर पोएम क्या है, वो कहता है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है एडमायर लिटिल थिंग्स, कि हमारे पास जो है नेचर को देखने के लिए टाइम नहीं है। वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं जो कि मैंने लिख दी है, आप यहाँ से उतार सकते हैं। पेज नंबर ज़रूर बता दिएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये स्मॉल प्लेजर्स। अब इसके बाद है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 और 60 वर्ड। इंडिया इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द विंड एनर्जी। लिबरेट द सेंटेंस बाय द मेंटेनिंग एनी टू एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में बताना और इसके दो एडवांटेज। विंड एनर्जी इज ड्राइव थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड इज यूज टू द जनरेट द मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। विंड कन्वर्ट टू द पैनेटिक एनर्जी इन द विंड इन टू द मैकेनिकल पावर विच कैन बी यूज और स्पेसिफिक टास्क। एंड सो इंडिया इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एनर्जी। अब इसके एडवांटेज लिख देंगे आप। विंड एनर्जी क्रिएट्स गुड्स प्लेइंग जॉब्स। विंड पावर बेनिफिट लोकल कम्युनिटी। विंड पावर इज द कॉस्ट इफेक्टिव क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी मैंने ये करा है 40 से 60 अल्फाज में है। ये है ट्रिम्परा वॉज अ पुअर वूमेन, और ये सारा क्वेश्चन है पूरा यहाँ तक। अब इसके बारे में बताना है इसका जवाब। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रिंका टीच हैप्पीनेस इन द चॉइस, वो खुशी को अच्छे चॉइस करती है, और चिल्ड्रन बींग द पुअर्टी एरिया सोशल रिडक्शन। ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है देख के, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूरा हो जाता है। चौथा सवाल है इसके बाद, आंसर ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 50 to 100 वर्ड। ए गर्ल हु हैड नो हेयर द नेम स्मॉल, हु डिड नॉट नो द स्कूल एंड हु फील ट्राई टू गो टू स्कूल डिवेलप। ये सारी बातें। अब इसका आंसर लिखना है, इट इज़ द क्वाइट ट्रू दैट गोइंग टू स्कूल एंड मीटिंग हर टीचर्स एंड इंडीड द टर्निंग। ये सारी बातें होती हैं, ये सब आप इसमें से देख के लिख लेंगे। इंस्पायर्ड ऑफ द चाइल्ड। फिर उसके अब आगे भी है पेज नंबर 8। फॉर हर पेरेंट दे नेवर ट्रेड हर काइंडली एंड ऑलवेज डिजर्व फॉर इज डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। बच्ची की कहानी है जिसमें वो जो है उसके फोर सोचती है मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन बाद में जो है प्यार करते हैं। बोली हेड नेवर हेयर द एनर्जिंग वर्ड्स। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप इसमें से देख के लिख सकते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 to 50। यू आर अशीमा आशीष लिविंग इन दिल्ली, और ये सारी बातें आपको क्या लिखने को कहा है। डायरेक्ट मस्ट राइट अ लेटर टू द एजेंट टू मेक माय ट्रिप मेकिंग द नेसेसरी इंक्वायरीज। ये सब बताएं, एक लेटर लिखना। तो लेटर लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप जो है जो लिख रहा है, लड़की लिख रही है तो लड़की, और लड़का लिख रहा है तो न्यू दिल्ली, और यहाँ पे 46 मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख दिएगा। डेट 19 अक्टूबर है मैंने डाली है, आप कुछ भी डाल देंगे। मैनेजर मेक माई ट्रिप न्यू दिल्ली, फिर डियर सर, फिर उसके बाद ये जो है ये वाला पूरा पैराग्राफ आप उसके अंदर अपलोड कर दें, मतलब लिख देंगे। कुल्लू मनाली का टूर है, ये सब बातें। देयरफॉर आई वुड लाइक टू सेंड अ डिटेल ऑफ योर ट्रेवल एजेंसी, ये सब बातें। आई लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग फॉर यू सोन, थैंक यू योर फेथफुली अशीमा। इस तरह आपका ये पूरा हो जाएगा। अब अगला सवाल जो है इसके अंदर ये है कि प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स में। एक प्रोजेक्ट बनाना है रविंद्र नाथ टैगोर के बारे में, कि उनकी बर्थ प्लेस क्या है, चाइल्डहुड कैसे करा, एजुकेशन क्या करी, हॉबीज़ क्या थी, लाइफ स्टाइल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या थे, अचीवमेंट क्या करा उन्होंने अबाउट एजुकेशन के बारे में, हाउ डिड नोबल प्राइज़ और व्हाट डिड रविंद्र नाथ टैगोर। ये सब पॉइंट हैं इसके, और इनके बारे में आपको क्या करना है, लिख के बताना है। राइट ऑल
ये सभी क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट वर्क यहाँ से शुरू हो जाएगा। बायो स्केच ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया उनके बारे में, यहाँ से देख लीजिएगा। फिर उसके बारे में प्लेस ऑफ बर्थ बता दिया कि 7 मई 1861 को कोलकाता में पैदा हुए थे, ये सारी बात। फिर उसके बाद वे इस चाइल्डहुड डेज के बारे में बताया, चाइल्डहुड डेज में वो कैसे थे, ठीक है, म्यूजिकल ये सब। इज एजुकेशन हॉबीज़ के बारे में बता दिया, एजुकेशन क्या कर रही थी उन्होंने और हॉबीज़ क्या थी। इज लाइफ स्टाइल के बारे में बता दिया, इज अचीवमेंट और उनके यहाँ पे अचीवमेंट के बारे में भी बता दिया, ये सारी बातें हो गई। हिज वेरियस अबाउट ऑफ एजुकेशन, व्यूज अबाउट एजुकेशन, व्हाट द एनालिसिस ऑफ हिज टू, ये सारी बातें आप इसके अंदर छाप दीजिए। तो यहाँ पे ये पूरा जो असाइनमेंट हमारा पूरा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये असाइनमेंट पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सारे TA में आपको यहीं मिलेंगे। शुक्रिया।